नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है, और वो पल है भारतीय टीम के उन 15 खिलाड़ियों का नाम जो बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है, जो कि भारत की तरफ से विश्व कप खेलने जाएंगे। दरअसल वीके न्यूज ने भी 14 अप्रैल को वर्ल्ड कप 2019 के लिए अपनी एक लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में उन्हीं 15 खिलाड़ियों का नाम रखा था जिसे ठीक एक दिन बाद यानी कि 15 अप्रैल को बीसीसीआई ने अनाउंस किया है, जिसे आप वीके न्यूज के चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। 2019 विश्व कप के लिए चुने गए खिलाड़ियों के नाम हैं शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केदार जाधव, केएल राहुल, एमएस धोनी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर और दिनेश कार्तिक। इन खिलाड़ियों के चयन के बाद सभी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि इन खिलाड़ियों को ही क्यों विश्व कप के लिए चुना गया। तो आइए जानते हैं। पारी की शुरुआत के लिए टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी को चुना गया है। दोनों ही खिलाड़ियों का यह दूसरा विश्व कप होगा। इससे पहले दोनों ने ही 2015 के विश्व कप में भी ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। दोनों खिलाड़ियों ने 2015 विश्व कप के बाद ज्यादातर समय टीम के लिए वनडे क्रिकेट में पारी की शुरुआत की, और दोनों के बीच ही अच्छी जुगलबंदी भी देखने को मिली है। इसी के चलते एक साथ खेलने के अनुभव को देखते हुए भी दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है। तीसरे नंबर के लिए विराट कोहली को चुना गया है, जो कि टीम के कप्तान होंगे। विराट कोहली का ये तीसरा वर्ल्ड कप होगा जिसमें कि वो पहली बार कप्तानी करते दिखेंगे। पिछले दोनों ही वर्ल्ड कप में विराट के बल्ले से रन निकले थे, और समय के साथ साथ विराट का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतना कद बढ़ गया है कि उनकी तुलना वर्तमान समय के बेस्ट बल्लेबाजों में होने लगी है। विराट तीनों ही फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, जो कि विश्व कप में भारत के लिए काफी सहायक होगा। पिछले 1 से 2 साल में भारतीय टीम ने चौथे स्थान पर बल्लेबाजी के लिए जितने खिलाड़ियों को आजमाया गया है, उतने शायद ही इससे पहले कभी टीम में किसी स्थान के लिए किया गया हो। लेकिन टीम की खोज एक बार फिर वहीं जाकर खत्म हुई है जहां से शुरू हुई थी। चयनकर्ताओं ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल और दिनेश कार्तिक पर भरोसा जताया है। इसके अलावा विजय शंकर को भी टीम में शामिल किया गया है, वो भी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने में सक्षम है। दिनेश कार्तिक और विजय शंकर दोनों की ही भूमिका दोहरी होगी। केएल राहुल को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के अलावा बैकअप ओपनर के रूप में भी शामिल किया गया है। दिनेश कार्तिक को रिजर्व कीपर के तौर पर और विजय शंकर को ऑलराउंडर के, जो कि हार्दिक पांड्या के विकल्प के रूप में होंगे। इनके बाद महेंद्र सिंह धोनी, जो कि टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, जिनकी काबिलियत पर कोई भी शक नहीं कर सकता, उनके विकल्प के तौर पर दिनेश कार्तिक को भी टीम में रखा गया है, जो कि धोनी की तरह फिनिशर भी हैं, जैसा उन्होंने निधास ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में नमूना पेश किया था। इनके बाद तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, जो कि वर्तमान समय में हर फॉर्मेट के टॉप गेंदबाजों में से एक है, जो कि अपनी धारदार गेंदबाजी से दूसरे गेंदबाजों की मदद करेंगे, जिसमें मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार शामिल हैं। विश्व कप में तीनों की तिकड़ी भारत के लिए मजबूत दावेदारी पेश करेगी। स्पिन गेंदबाजी के लिए युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी को चुना गया है। दोनों की जोड़ी कुलचा के नाम से काफी मशहूर भी है। दोनों ने एक साथ काफी विकेट झटकाते हुए भारत को मैच जितवाए हैं। जैसा देखा गया है, कुलदीप यादव और चहल की फिरकी को खिलाड़ी आसानी से खेल भी नहीं पाते हैं, जिसके चलते इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। इनके अलावा सर रविंद्र जडेजा को भी टीम में मौका दिया गया है, जो कि स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो बल्ले से, गेंद से और अपनी फील्डिंग के चलते टीम में लिए गए हैं। 15 सदस्यीय भारतीय टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्हें पिछले 12 महीनों में टीम मैनेजमेंट ने आजमाया है। इसी को देखते हुए टीम का चयन किया गया है, जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। आप इस 15 खिलाड़ियों की लिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।